नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सब व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल ही था ये गणतंत्र दिवस, तो कल तो हम लोग इंटरेक्ट हो नहीं पाए थे, तो आज उसकी शुभकामनाएं दे रहा हूँ मैं आपको। एनीवेज दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आधारित है आने वाले मॉक टेस्ट के सोल्यूशन पे। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ KT कैंपस मॉक टेस्ट नंबर 181 का सोल्यूशन, और इसी के मद्देनज़र मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी दर्जे का काम हो, लेकिन मोटिवेशन हर एक तरह से हमें ज़रूरत पड़ती है उस काम को करने के लिए, चाहे उस काम को शुरू करना हो, चाहे उस काम को कंटिन्यू करना हो, चाहे उसे फिनिश करना हो। किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा मोटिवेशन डाउन होता है तो हम उस काम को करना छोड़ देते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए कि हम उस काम को कंटिन्यू कर सकें। परसिवियर करने की जो कैपेबिलिटी होती है हमारे अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए किसी ने सही कहा है, कोई इंसान खाने के बिना 5 दिन जिंदा रह सकता है, पानी के बिना 2 दिन, लेकिन उम्मीद के बिना कोई 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह की बात यहाँ भी हो रही है। मैं आपके लिए हर हफ्ते KT मॉक टेस्ट का सोल्यूशन लाता हूँ, ये सोच के कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है। और कई बच्चों ने मुझे पर्सनली कमेंट भी किया है कि ये सीरीज कंटिन्यू रखने के लिए। और हर एक जो भी आप लोग में से जो भी मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, जो भी किसी भी तरह की बातें लिखते हैं, मैं उन्हें बाय फेस पहचानता हूँ, ठीक है। तो जो भी लोग ने अभी जो जो जिन्होंने भी अभी तक कमेंट किया है, उन सबको मैं बाय फेस जान रहा हूँ। तो वो लोग कहते थे कि सर, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, बंद मत कीजिएगा इसको। तो मैंने भी वादा किया था कि बिल्कुल मैं बंद इसे नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया था कि इस संडे तक हमारा 200 सब्सक्राइबर टारगेट है। 200 सब्सक्राइबर पहुँचने में आप मेरी मदद कीजिए, आप इस चैनल की मदद कीजिए, ताकि हम लोग 200 का एक फैमिली बने और मुझे ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो डिलीवर हो रही है आप लोगों को, आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, आप लोगों को उससे बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों, हम लोग फॉल शॉर्ट हो गए उससे। आज संडे है, लेकिन हम लोग अभी भी 200 सब्सक्राइबर से काफ़ी दूर हैं। मतलब मेरे अंदर फीलिंग आई कि शायद कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ये चीज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो उन्हें फ़ायदेमंद नहीं लग रहा है, और इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं है इसे शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, एकमात्र रिक्वेस्ट आपसे यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट उठा सकें। आप लोग हर एक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो KD के स्टूडेंट रहे होंगे। अपने अपने KD ग्रुप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने अपने KD ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है, और खुद ब खुद लोग उससे जुड़ जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ। आपको पता है कि सुबह सुबह क्वेश्चन अरेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, उसको एडिटिंग अपलोडिंग बहुत ज़्यादा एक एफर्ट है उसमें। और इसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, और इतना तो आपका फ़र्ज ही होना चाहिए करना, और वो शायद आप नहीं कर रहे हो। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आप लोगों के लिए वर्थ नहीं है, तो मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूंगा। तो दोस्तों, ये आखिरी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ मुझे खास नहीं मिला, तो मैं समझूंगा कि ये आपके लिए वर्थ नहीं है, और मैं इस सीरीज़ को अगले संडे से बंद कर दूंगा, यानी कि इसके बाद आपको सीरीज़ नहीं आएगी। अगर अगले संडे से पहले हमने अपना 200 सब्सक्राइबर काउंट पार कर लिया, तब तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, ज़्यादा अगर आपने शेयर किया, ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, तो और अगर 250 सब्सक्राइबर हम लोग अगले संडे तक पार कर जाते हैं, तो मैं मैथ के साथ साथ इंग्लिश का भी सोल्यूशन लाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। और आपको पता है कि इंग्लिश का सोल्यूशन काफ़ी हद तक मैथ्स के सोल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर 200 तक पहुंचते हैं, तो मैं अगले संडे को जो रेगुलर सोल्यूशन लाता हूँ वो ले आऊँगा। अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते, तो मैं बंद कर दूंगा सीरीज़। और अगर हम 250 पहुंच जाते हैं, तो मैथ्स और इंग्लिश दोनों का सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा मैंने एलजेब्रा के भी लेक्चर शुरू किए हैं। एलजेब्रा की जो किरण की बुक होती है, पूरे किरण की बुक फुल सोल्यूशन मैं अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे। 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, नंबर सिस्टम और एलजेब्रा के, और हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं अपलोड करने वाला हूँ। उसको आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सॉल्व कीजिए खुद से और सॉल्यूशन देखिए वहाँ से। तो आपके लिए मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत चीज़ें और नई चीज़ें आने वाली हैं, और अभी तक तो मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है। अभी तक सिर्फ मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैंने कोई भी चैप्टर अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ तब
तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा जब मेरे पास एक ऑडियंस होगी, आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट होगा मेरे पास। तो दोस्तों यही टारगेट मैं आपको देता हूँ कि इस संडे तक कम से कम 200 सब्सक्राइबर हम लोग पार करें, ताकि हम लोग अगले संडे को फिर से मिल सके और ज़्यादा शेयर अगर कर दें तब फिर मज़ा ही आ जाए, फिर मेरा भी जोश दुगया, जोश मेरा अंदर जो उत्साह इंथुजियाज़म है वो दुगना हो जाएगा और मैं आपके लिए और लगन से काम कर सकूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिलहाल अपने पॉइंट पे आते हैं। 181 मॉक टेस्ट का सोल्यूशन मैं यहाँ आपके सामने डिस्कस करने आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सोल्यूशन। तो इस बार का अगर मैं रिव्यू बताऊँ तो आज के जो क्वेश्चंस दिखे हैं वो मैक्सिमम रिपीटेड हैं। ठीक है, कुछ ही नए क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं, तो शायद आप लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, तो इस सेट में अबव 20 अटेम्प्ट करना तो बहुत ज़रूरी था अगर आपको स्टैंड करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, ये मैंने शायद दो पिछले सेट में बताया भी है। कहता है कि मनीष मनीष ने 300 रुपया, मनीष ए तथा बी किस्म के चावल को के 100 किलोग्राम मिश्रण को 1100 में बेचकर 300 का लाभ कमाता है। मिश्रण में ए तथा बी किस्म के चावल का अनुपात क्या होगा? यदि ए तथा बी किस्म के चावल का क्रय मूल्य क्रमशः 5 तथा 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो दोस्तों क्या है कि 1100 किलोग्राम है उसके पास चावल का एक मिक्सचर मिश्रण है, और उसको बेचता है 1100 रुपये में और 300 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। अगर 300 रुपये का प्रॉफिट कमाता है तो मैं कह सकता हूँ कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। इस 1100 चावल का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 800 रहा होगा, क्योंकि 300 का प्रॉफिट उसको हुआ है, यानी कि उसकी उसका क्रय मूल्य 800 रहा होगा, उसको खरीद पड़ी होगी 800 रुपये की, अब वो 300 का फायदा उसको मिला है उस पर। अब कहता है कि आपको अब से यही सवाल है कि दो तरह के चावल हैं, 10 रुपये प्रति किलोग्राम और 5 रुपये प्रति किलोग्राम। कुछ अमाउंट इसका लिया है और कुछ अमाउंट इसका लिया है, ये दोनों मिला कि इसने 100 किलोग्राम का एक मिक्सचर बनाया है। तो बताइए किस रेशियो में इस दोनों को लिया है। तो दोस्तों ये जो 800 रुपये आई, ये मुझे आई है 100 किलोग्राम का क्रय मूल्य। तो 100 किलोग्राम का क्रय मूल्य अगर 800 रुपये आ रहा है मुझे, तो 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य क्या होगा? 800 बटा 100, यानी कि 8 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ मैं एलिगेशन लगाऊं तो पहला मिक्सचर की कीमत 10, दूसरे मिक्सचर की कीमत 5, और दोनों को मिला दिया मैंने, तो अब जो है कीमत वो हो गई है 8। तो रेशियो निकालिए, माइनस कीजिए 10, 8 में से 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3। तो मेरा 3:2 ही मेरा करेक्ट आंसर है, मतलब इन दोनों चावल को मैंने 3:2 में मिलाया। ऑप्शन नंबर सी है मेरा करेक्ट आंसर 51 का। ठीक है, बहुत शॉर्ट, बहुत आसान सा सवाल था, बिना पेन का यूज किए भी आप बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल टाइम एंड डिस्टेंस से है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहता है कि राहुल जो है वो ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से 3 घंटे के लिए, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से 4.5 घंटे के लिए। तो इस तरह से वो अपने टोटल डिस्टेंस का 3/5 दूरी कवर कर लेता है। तो अब उस बाकी का डिस्टेंस, बचा हुआ जो दूरी है वो कवर करने के लिए 4 घंटे में उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों 40 किलोमीटर के रफ्तार से वो 3 घंटे तक चला, तो कितनी दूरी वो कवर करेगा? 120 किलोमीटर। अगला है कि ये 60 किलोमीटर के रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वो 4.5 यानी कि 9/2 घंटे तक चला, तो कितनी दूरी कवर करेगा? 270। ठीक है, अब दोनों को ऐड अगर मैं कर दूं तो ये हो गया मेरा 39, यानी कि ये 39 किलोमीटर जो मुझे आया ये 3/5 है टोटल डिस्टेंस के, ये टोटल डिस्टेंस के 3/5 के बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस, बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 - 3/5। बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 - 3/5। तो यहाँ मैं अगर देखूँ तो ये 2/5, तो टू अगर 3/5 की वैल्यू 390 है, तो 2/5 की वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगी 260। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगी 2/60, यानी कि 2/6 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस बचा हुआ है। अब इसको मुझे अगर 4 घंटे में कवर करना है, तो आपको पता है कि S बराबर होता है DT, दूरी अपॉन समय। दूरी क्या है? 260 किलोमीटर, और समय क्या है? 4 घंटे। तो आंसर मुझे क्या आ गया? 64।
5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि बची हुई दूरी को कवर करने के लिए 4 घंटे में राहुल की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, बहुत आसान सा सवाल है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। कहता है कि स्नेहा की उम्र अपने पिता से 1/6 है, स्नेहा की उम्र अपने पिता से 1/6 है और स्नेहा के पिता की उम्र विमल के एज से दुगनी हो जाएगी 10 साल के बाद। विमल का 8वां बर्थडे 2 साल पहले मनाया गया है, तो स्नेहा की प्रेजेंट एज क्या है? तो अगर मैं स्नेहा की एज एस कंसिडर कर लूँ तो उसके पापा की एज क्या हो जाएगी? 6S हो जाएगी। ये तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि विमल कोई है, विमल की एज से स्नेहा के पापा की एज दुगनी हो जाएगी 10 साल के बाद। ठीक है, तो यहां मैं ऐसा मान सकता हूं 6S पापा की एज, पापा की एज में 10 साल जोड़ा और विमल की एज में 10 साल जोड़ा। अब मैं कह रहा कि जो पापा की एज जो होगी 10 साल के बाद वो विमल की 10 साल की बाद की एज से दुगनी होगी। तो ये मैंने एक इक्वेशन बना लिया, समीकरण बना लिया। अब तीसरी बात कहता है कि विमल का जो 8वां बर्थडे था वो 2 साल पहले मनाया गया था, 2 साल पहले 8वां बर्थडे मनाया गया था, मतलब प्रेजेंट एज उसका क्या है? 10 साल, यानी कि वी की जगह मैं 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, 2 × 10 × 10 यानी कि 20 बराबर 6S + 10, तो एस की वैल्यू क्या आ गई? 5। ज़रा याद कीजिए कि एस 5 ईयर्स, तो ये एस मैंने किससे माना था? स्नेहा की एज। तो स्नेहा की एज इस सवाल में पूछ रहा है कि स्नेहा की उम्र क्या है, तो स्नेहा की उम्र 5 साल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, ये टाइम एंड वर्क से है, टाइम एंड वर्क से अगला सवाल। कहता है कि एक्स और वाई किसी ट्रेंच को, ट्रेंच मतलब कहते हैं किसी गड्ढा या खाई होती है, गड्ढा ही कहते हैं उसको। एक्स और वाई किसी ट्रेंच को खोद सकते हैं मिलके 14 दिनों में। ठीक है, अब उसी गड्ढे को एक्स अकेला उसको 25 दिन में खोद सकता है, तो बताइए कि वाई अकेले उस गड्ढे को कितने दिन में खोद सकेगा। तो आसान सा सवाल है, अगर मैं क्या करता हूँ टोटल जो मैं क्या इसमें मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में मैं एलसीएम लेता हूँ, जो मुझे एलसीएम आएगा वो होगा, हो जाएगा टोटल वर्क। तो उस जो गड्ढे को खोदने का काम है उसको मैंने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो चलिए 25 × 14 इसका एलसीएम जो होगा 25 × 14 ही हो जाएगा, 25 × 14। ठीक है, अब 14 दिन में दोनों मिलके 14 दिन में इतना काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? इतना बाय 14 यानी कि 25। ठीक है, एक्स इतना काम 25 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? इतना बाय 25 यानी कि 14। ठीक है, अब जरा देखिए एक्स और वाई एक दिन में इतना यूनिट काम कर रहे हैं और एक्स अकेला इतना यूनिट काम कर रहा है, तो वाई अकेला कितना यूनिट करेगा? तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स यानी कि 25 − 14 यानी कि 11, यानी कि एक्स वाई अकेला वाई एक दिन में 11 यूनिट काम करेगा। टोटल यूनिट या काम कितने हैं? तो 25 × 14। तो अब कहता है कि टोटल यूनिट काम करने में उसको समय कितना लगेगा? तो 25 × 14/11। ठीक है, तो यह मुझे आ गया 350/100। आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये 31 होल नंबर 9/11, ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर, मतलब वाई उस काम को 31 होल नंबर 9/11 डेज में करेगा। आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं ऐसे सवालों में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल जो है वो SI से है, SI का बहुत आसान सा सवाल है। कहता है कि कोई प्रिंसिपल है जो कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत की दर से कोई राशि 6 वर्षों में स्वयं को दुगना कर लेगी। स्वयं को दुगना करने के लिए कोई अगर मैं प्रिंसिपल लूँ, ठीक है, पी, दुगना कब होगा? जब उसमें पी मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, और दोस्तों पी में जो अमाउंट, जो चीज, जो
राशि ऐड होती है वही तो होता है इंटरेस्ट, वही तो होता है इंटरेस्ट। मतलब पी को 2P बनाने के लिए मुझे पी ऐड करना पड़ेगा इसमें, मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो पी के बराबर होना चाहिए। जो मुझे इंटरेस्ट चाहे जितने भी समय में हो, जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो पी के बराबर जब हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि पैसा जो है वो मेरा दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये तो पता होगा आपको, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि एस आई जो है वो पी के बराबर हो जाना चाहिए तभी मेरा प्रिंसिपल दुगना होगा। तो पी इंटू आर, आर मुझे निकालना है, टाइम दे रखा है 6/100, पी से पी हो गया कैंसिल, आर की वैल्यू हो गई 100/6 यानी कि 50/3। फाइनल आंसर मैं कहूँ तो 16 होल नंबर 2/3% मेरा आंसर हो गया। मतलब कि जो रेट है वो होना चाहिए 16 होल नंबर 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर। बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन में यही समझना था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के जब बराबर हो जाएगा तभी प्रिंसिपल दुगना, तभी जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से दुगना हो जाएगा। अगर तिगुना की बात करता तो ये इंटरेस्ट जो है वो 2P के बराबर होना चाहिए था। अगर तिगुना की बात करता तो इंटरेस्ट 2P के बराबर होना चाहिए था। अगर चौगुना की बात करता तो इंटरेस्ट 3P के बराबर होना चाहिए था। तो ये कंसेप्ट दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। तो ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल, ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि दो इंसान हैं और उनके बीच एक राशि 17:15 में बांटी जाती है। दो इंसान हैं उनके बीच एक राशि, कोई राशि है वो 17:15 में बांटी जाती है। अब कहता है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से 80 रुपये कम मिलते हैं तो वो कुल राशि क्या है। एक एक पर्सन को दूसरे पर्सन से 80 रुपये कम मिलते हैं तो वो कुल राशि क्या है। दोस्तों रेशियो की मदद से मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 17 और 15 में डिफरेंस कितने का है, -2 का। ठीक है, तो इसी 2 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 80। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। कुल राशि क्या मैं यहाँ से रेशियो की मदद से बता सकता हूँ, 17+15 यानी कि 32। तो 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 32 की रेशियो, 32 की वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी आंसर हो जाएगा मेरा 1280। यानी कि ये जो है ये कुल राशि है। अगर कहता है कि पहले आदमी का हिस्सा बताओ तो 17 × 40, दूसरे आदमी का हिस्सा बताओ तो 15 × 40। ठीक है, आसान सवाल था, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल ही बहुत बेसिक सा सवाल है, कहता है कि रवीना जो है वो 3 तरह के टिकट खरीद सकती है, एक 55 रुपये वाले, एक 85 रुपये वाले, एक 105 रुपये वाले, अलग अलग क्लास होगा है ना, सिल्वर डायमंड प्लेटिनम होता है ना, तो उस तरह से तो अलग अलग तरह के टिकट वो खरीद सकती है, लेकिन हर एक टिकट वो इक्वल नंबर ऑफ खरीद सकती है, मतलब कि हर एक टिकट की संख्या बराबर होनी चाहिए। उसके पास कुल 1940 रुपये हैं, तो बताइए कि कितने टिकट वो प्रत्येक टाइप के खरीदेगी। तो दोस्तों बहुत आसान सा सवाल है, अगर मैं ये मान लूँ कि हर एक टाइप का टिकट की संख्या अगर मैं ए मान लूँ तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 55 × a प्लस 85 × a प्लस 105 × a बराबर 2940, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि वो हर एक टिकट के इक्वल नंबर ऑफ टिकट से, हर एक टाइप के इक्वल नंबर ऑफ टिकट से खरीद सकती है। तो मैंने हर एक यानी कि हर एक टाइप का वो ए टाइप ए संख्या खरीदेगी टिकट के, बस अब आप यहाँ इस ए की वैल्यू निकाल दीजिए, ए की वैल्यू आपको आ जाएगी यहाँ से 12, यानी कि प्रत्येक टिकट वो 12 12 खरीद सकती है हर एक क्लास की। एक 55 रुपये वाले भी 12 ही खरीदेगी, 85 रुपये वाले भी 12 ही, 105 वाले भी 12 ही। अगर ये बात नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता कि हर एक टिकट की संख्या बराबर है तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकती वो कितने कितने टिकट्स खरीदेगी, ये बताना इम्पॉसिबल था। तो आंसर हो जाता डी, आंसर हो जाता डी, लेकिन बात दी रखी है तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
दोस्तों अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से है, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, बट वो देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली गलत होगा। क्या क्योंकि क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है, तो उसको आपने अगर मिस कर दिया होगा तो आपका गलत हो गया होगा। कहता है कि रजनी ने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया और एक रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया। तो मोबाइल फ़ोन उसने ख़रीदा 12,000 में और रेफ्रिजरेटर ख़रीदा उसने 10,000 में, ठीक है, ये दो चीज़ वो खरीद के लाई। अब कहता है कि अब उसने बेच दिया, अब उसने बेच दिया तो रेफ्रिजरेटर को उसने 12% के लॉस में बेचा, 12% के लॉस में बेचा रेफ्रिजरेटर को, और तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ, और मोबाइल को उसने 8% के प्रॉफिट में बेचा, 8% के प्रॉफिट में बेचा, ये सवाल में दे रखा है। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या है दोस्तों? आसान सा सवाल है, रेफ्रिजरेटर 12% में बेचा, 12% लॉस में बेचा, तो लॉस में बेचा कहने का मतलब कि अगर मैं, तो लॉस किसके बराबर होगा? 12% ऑफ 10,000 यानी कि 1,200 रुपये, यानी कि रेफ्रिजरेटर पे उसे उसे 1,200 रुपये का लॉस हुआ, घाटा हुआ। मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पे 8% का उसे फायदा हुआ, यानी कि 8% ऑफ, 8% ऑफ 10,000, सॉरी 12,000, क्या हो गया आंसर? 960, यानी कि 960 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ओवरऑल अगर मैं देखना चाहूँ प्रॉफिट या लॉस हुआ, दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड करने पे क्या आएगा? 960 माइनस 1,200 यानी कि 240, यानी कि ओवरऑल उसे 200 माइनस 240 मुझे आंसर आया। कहने का मतलब कि ओवरऑल उसे 240 रुपये का नुकसान हुआ, ओवरऑल उसे 240 रुपये का नुकसान हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आसान सा सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। 59 करने से पहले फिर मैं आपको याद दिला दूं कि इसे शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि अगली वीडियो तभी आएगी जब हम लोग 200 सब्सक्राइबर अगले संडे से पहले क्रॉस कर जाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान भी है और बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्चुअल भी है। कहता है कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर, एक वर्ग का परिमाप जो है एक रेक्टेंगल के परिमाप से दोगुना है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसके हर एक साइड को एस मान लूं और इसके हर एक साइड को एल और बी मान लूं, ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्वेश्चन से कि 4s बराबर 2 इंटू 2l प्लस बी, लिख सकता हूं, क्योंकि दे रखा है सवाल में कि जो वर्ग का परिमाप है वो रेक्टेंगल के परिमाप से दोगुना है, ठीक है। तो यहां से लिख सकता हूं मैं 2s बराबर एल प्लस बी, सॉरी s बराबर एल प्लस बी लिख सकता हूं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कहता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो है 240 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगल का एरिया यानी कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। तो ये एल इंटू बी जो है वो मुझे 240 स्क्वायर मीटर के बराबर दे रखा है। तो बताइए कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एस स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर की वैल्यू मुझे पूछी है। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको ये दोनों इक्वेशन मैंने दिया और मैंने कहा इन दोनों की हेल्प से इसकी वैल्यू बताइए, यानी कि यहाँ वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं आपको? एल, बी और एस, तीन वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन हैं। तो वेरिएबल्स की संख्या जो है वो इक्वेशन की संख्या से ज्यादा है, तो यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना संभव नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि एक्स प्लस वाई बराबर 4 है तो एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, क्या आप बता सकते हैं? पक्के तौर पे नहीं बता सकते, क्योंकि कई सारे वैल्यू हो सकते हैं। एक्स अगर 1 होगा तो वाई 3 होगा, एक्स अगर 0 होगा तो वाई 4 होगा, एक्स अगर -1 होगा तो वाई 5 होगा, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से बड़े हों तो पक्के तौर पे मान नहीं बताया जा सकता। ठीक वही बात यहाँ है, तीन वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन है दो, वेरिएबल की संख्या इक्वेशन से ज़्यादा है तो हम लोग पक्का मान नहीं बता सकते। अपने स्टूडेंट्स को मैं अक्सर ये कंसेप्ट बताता हूँ, तो इसलिए इसको सॉल्व करना संभव नहीं है, कांट बी डिटरमाइंड। स्क्वायर का एरिया हम लोग पक्के तौर पर नहीं बता सकते, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड से पूछिए, वो लोग फंसेंगे पक्का इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, आसान है ये भी।
इसमें कहता है कि 21 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 100 द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर इज, कि कोई संख्या है, कोई संख्या का वर्ग जो है उसके 21 गुने से 100 कम है, किसी संख्या का वर्ग जो है उसके 21 गुने से 100 कम है, ठीक है, मतलब स्क्वायर और उस नंबर का 21 गुना का डिफरेंस जो है मुझे दे रखा है 21, तो बताइए ए की वैल्यू क्या है। आसान सा सवाल है, आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण बनाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ -25a + 4a - 100 बराबर 0, प्लस 4 into a - 25। तो ए की वैल्यू यहाँ से मुझे दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 25 और एक आएगी -4। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, यानी कि आंसर मेरा हो गया 25, ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल है, क्वाड्रेटिक बस द्विघातीय समीकरण लैंग्वेज पढ़ना था आपको, एक द्विघातीय समीकरण बनाना था और आपको ए की वैल्यू निकाल लेनी थी, ठीक है, आसान सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 और काफ़ी अच्छा सवाल है, देखने में काफ़ी बड़ा लगता है लेकिन देखिए कितना आसानी से मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही मैं आपको ट्रिप्स बताता हूं दोस्तों कि शॉर्टकट मेथड्स कि आप विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, आपको टाइम देना नहीं है। तो इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का ये पर्पस भी है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन मेरा कॉन्फिडेंस भी बना रहे। तो दोस्तों आपके पास एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है, स्क्वायर प्लेग्राउंड है जिसका एरिया आपको दे रखा है 1127.6164। इतना बड़ा एक आपको प्लेग्राउंड का एरिया दे रखा है स्क्वायर, और कहता है कि एक इंसान है जिसकी स्पीड जो है ये है इतना मीटर पर मिनट, तो बताइए कि वो स्क्वायर का एक चक्कर कितने देर में लगाएगा। स्क्वायर का एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको, ये एरिया दे रखा है और ये दे रखी है उसकी स्पीड, ठीक है, तो बताइए कि ये आदमी इस स्क्वायर एरिया का स्क्वायर फील्ड का चक्कर कितने देर में लगाएगा। दोस्तों देखिए अगर आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो कर सकते हैं, इसका पहले स्क्वायर रूट निकालिए, उसको 4 से गुना कीजिए तो पेरीमीटर आ जाएगा, और उस पेरीमीटर को इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। बट मैं ऐसा कुछ करूं कि जल्दी आंसर आ जाए, कैलकुलेशन कम करना पड़े, ऐसे आपको काफ़ी कैलकुलेशन दिख रही है इसमें। दोस्तों यहां हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा मदद लेंगे। अगर मैं इससे ये पूछूं इस टर्म का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि आपको पता है कि 32 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1056 के बराबर। 33 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1089 के बराबर, ठीक है। और 34 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1156 के बराबर। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये जो है इसका स्क्वायर रूट जो है वर्गमूल है वो 33 और 34 के बीच में होगा, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि तकरीबन मैं 34 मान लेता हूँ, 34 का स्क्वायर मान लेता हूँ, यानी कि जो साइड मुझे आएगी वो मैं 34 तकरीबन मान लेता हूँ, यानी कि जो एक्चुअल आंसर है, जो एक्चुअल आंसर होगा वो 34, वो थोड़ा मेरे मुझे जो आंसर आएगा उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू एज्यूम किया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मुझे एस पता चल गई, अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 into 34, और टाइम तो यह रहेगा 20 × 40, 40 + 9 49, तो ऊपर में 20 ऊपर चला गया, नीचे रह गया 49। आंसर जो भी आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा एक्चुअल आंसर से, आंसर जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा एक्चुअल आंसर से, थोड़ा सा ही ज्यादा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो जरा देखिए यहां मैं लिख सकता हूं इसको 34 × 80 अपॉन 49, 2 × 3 49, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये तकरीबन 55.5 के बराबर 5 के बराबर हो
होता है। लेकिन ये जो मुझे आंसर आया दोस्तों, ये आंसर से थोड़ा सा ज्यादा आया, क्योंकि यहाँ पे 33 से थोड़ा सा से ज्यादा और 34 से कम होगा मेरा साइड, लेकिन मैंने 34 एज्यूम कर लिया था, थोड़ा ज्यादा एज्यूम कर लिया तो आंसर मुझे थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इससे जो ठीक थोड़ा क्लोज है कम, वो हो जाएगा मेरा आंसर। यानी कि आंसर मेरा जो दे रहा है ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, 1554.82 मेरा आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है दोस्तों इसको वेरीफाई करने का, कि अगर मैं एस को 33 मान लूँ, एस को अगर मैं 33 मान लूँ, तो जो आंसर होना चाहिए होगा वो मेरे आंसर से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, करेक्ट, जो मेरा आंसर है उससे थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। तो चलिए 33 भी रख के मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे भी 33 हो गया, यहाँ भी 33 हो गया, और यहाँ हो गया 2640, ठीक है, 2640। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये मुझे आता है 53 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, 54.8, यानी कि यहाँ आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना ही पड़ेगा दोस्तों अगर आपको जल्दी आंसर लाना है तो, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा संभल के तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल जो है वो एलसीएम का है, कहते हैं कि तीन घड़ियां हैं वो एक साथ बीप करती हैं, और हर एक 48 सेकंड पे, 72 सेकंड पे और 108 सेकंड पे अलग अलग घड़ियां बीप करती हैं। तो अगर उन्होंने ये साथ में बीप किया 10 बजे, तो अगला बीप वो कितने बजे करेंगी एक साथ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, कि जो तीनों को वक्त लग रहा है, उसका लेते हैं एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है कि पहले का मल्टीपल हम निकालते हैं, दूसरे का मल्टीपल, तीसरे का मल्टीपल, और तीनों में जो सबसे छोटा कॉमन हो उसको पिक करते हैं। तो यहाँ भी तो वही काम करना है, तीनों का बीप करने का वक्त दिए दे रखा है, वो इसका बीप करने का वक्त ये सब है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये सब है, तो तीनों में कॉमन कौन है जो तीनों में दिख रहा है मुझे, तो यानी कि उस वक्त पे बीप हमारा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से चार से कर दूँ, क्योंकि चार से तीनों हो रहा है, तो 12 या 18 और ये 27, और यहाँ फिर मैं अगर तीन से कर दूँ तो 3, 4, 3, 6, 3, 9, ठीक है। और एक बार फिर से अगर मैं 3 से कर दूँ तो 2, 3, तो यहाँ 4, 2 और 3, और आखिरी बार मैं करता हूँ 2 से 2, 1, 3, तो मेरा जो आंसर है वो 12, 36, 72, 144 और 532 सेकेंड के बाद दोनों एक साथ बीप करेंगी। तो इसको मैं अगर मैं मिनट में चेंज करना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि ये तकरीबन 8 मिनट और 52 सेकेंड के बराबर होगा, 8 मिनट 52 सेकेंड, यानी कि जो मुझे मेरा जो आंसर होगा, सॉरी ये 432 होगा, ये 432 होगा, ठीक है। तो यानी कि 7 मिनट बाद, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो 10 बजे से 7 मिनट और 52 सेकंड के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो सब बीप करेंगे एक साथ, एलसीएम मैंने लिया और उसको बस मैंने मिनट में चेंज कर दिया, ठीक है। तो चलिए ये भी आसान क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, और 63 का मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा और बेसिक मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने केडी ग्रुप्स में, ये मैंने आपको बता दिया है और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि एक डिनर सेट है जिसकी कीमत 1500 रुपये है, और एक ग्राहक उसके लिए सिर्फ 1173 रुपये ही पे करता है। 1500 रुपये थी लेकिन वो पे करता है सिर्फ 1173, क्यों पे करता है इतना, गुंडा तो है नहीं वो, उसे डिस्काउंट मिलता है, दो लगातार डिस्काउंट मिलता है, एक 15% का, एक और कुछ परसेंट का, और मुझे बताना है कि दूसरा डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट का उसको मिला। तो दोस्तों पहले बेसिक मेथड, अगर उसकी कीमत पहले 1500 रुपये है और उसको 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब कितना बचेगा, 85%, यानी कि 1500 का 85% जो है वो अब उसकी कीमत रह जाएगी, होगा कि नहीं। अब जो मुझे प्राइस मिली उस प्राइस पे फिर वो दूसरा डिस्काउंट मिला होगा, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ एक्स परसेंट का, ठीक है, एक्स परसेंट का डिस्काउंट मिला होगा उसको। अगर एक्स परसेंट का डिस्काउंट मिला
तो अब उस डिस्काउंट मिलने के बाद कीमत क्या हो जाएगी, 100 माइनस x अपॉन 100%, यानी परसेंट का मतलब अपॉन 100, यानी कि ये बराबर है 1173 के। होना चाहिए, पहले 1500 था, फिर 15% का डिस्काउंट मिला यानी कि उसकी कीमत घट के 85% हो गई, उसके बाद फिर एक्स प्रतिशत का मिला तो फिर उसकी कीमत एक्स प्रतिशत घट के 1173 होगी। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू आपको आएगी 8। थोड़ा कैलकुलेटिव यहाँ आपको दिखेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, उससे कितना आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। दोस्तों 1500 हो गया 1173 और 100 हो गया 85, दोनों को कर दीजिए डिवाइड, इससे ये खत्म, इससे 7 17 25 85, ये 17 6 और 9, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 75 हो गया 69, यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया 6 का, 6 अपॉन 75 इंटू 100, ये आपको 8% होगा। ये सक्सेसिव परसेंट का मैंने ये ट्रिक लगा दिया है, कंसेप्ट लगा दिया, ट्रिक नहीं है, कंसेप्चुअल ही है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये 8% एक लाइन में आ गया और यहाँ मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है। अब ये ट्रिक मैं कहाँ से लेके आया, क्यों लेके आया, कैसे ले आया, ये शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बताऊँगा जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज पढ़ाऊँगा तब। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आसान सवाल है, ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले बार कर दिया है। ए और बी कह रहा है कि 15 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है, पर ए और बी 15 किलोमीटर अपार्ट है, 15 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हैं। अब कहता है कि वो आधे घंटे में मिल जाएंगे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो, ठीक है, और 2.5 घंटे बाद मिलेंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो। आधे घंटे में मिलेंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 2.5 घंटे में। तो दोस्तों आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी वी आर जो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो ए भी ए प्लस भी बी के बराबर होती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो, और वी आर बराबर वी ए माइनस भी बी होती है अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो तो। तो दोस्तों अगर टाइम की बात करूँ, डिस्टेंस क्या है 15, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते वक्त वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी ए प्लस वी वी, तो ये दे रखा है 1/2 आवर के बराबर। दूसरा केस डिस्टेंस तो वही है, अब रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो वी ए माइनस वी वी ये है 5/2, ठीक है। बस डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम। आप वी ए वी की वैल्यू निकाल लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, वी ए की वैल्यू आपको आ जाएगी, वी ए की वैल्यू आपको यहाँ से क्या आ जाएगी, 18, और वी वी की वैल्यू, वी ए की वैल्यू 18 और वी वी की वैल्यू 12, यही दोनों इसका स्पीड हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि कौन ज़्यादा तेज़ है, तेज़ है तो 18 वाला बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है ज्योमेट्री से और ये सवाल भी मैंने आपको करा रखा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 जो है ज्योमेट्री से है और ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका था। एक ट्रेपीजियम आपको दे रखा है, एक ट्रेपीजियम एबीसीडी जिसमें एबी और डीसी जो है वो पैरेलल साइड्स हैं, एबी और डीसी आपके पैरेलल साइड्स हैं। इसमें आपको दे रखा है कि एडीसी एडीसी के एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है, देख के आपको लग नहीं रहा होगा बट है दे रखा 90 डिग्री। ए बी 15 सेंटीमीटर है, ए बी 15 सेंटीमीटर, सी डी 40 सेंटीमीटर और डायगोनल ए सी 41 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा। दोस्तों देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस आपको दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, क्या परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 9 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब 9 के बराबर आ गया तो दोस्तों ये क्या है,
ये 90 डिग्री है, मतलब ये यही तो, ये हाइट भी तो हो जाएगी इस ट्रेपीजियम की, अगर ये 90 डिग्री है तो यही इसकी हाइट भी हो जाएगी। बस हाइट पता चल गया, पैरेलल साइड्स पता है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, बट यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 40 प्लस 15 कितना होता है, 55 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 9, हाइट कितनी है 9, 40 प्लस 15 तो 5, 495/2, कहने का मतलब कि 270, 200 सॉरी 247.5 मीटर स्क्वायर, ये हो गया मेरा आंसर 247.5 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर, आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 मेंसुरेशन का एक सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख सकता है आपको। कहता है कि सॉलिड ब्रास स्फेयर है आपके पास, जिसका रेडियस त्रिज्या आपको 2.4 डेसीमीटर दे रखा है, उसको एक राइट सिलिंड्रिकल रड में चेंज कर दिया गया जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/4/3 π r³, r है 2.1 डेसीमीटर, डेसी 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 2.1 डेसीमीटर में 22.1 सेंटीमीटर, यानी कि 4/3 π इंटू 21 × 21 × 21, यानी कि 21 r³ बराबर π r² h। सिलेंडर जो बन रहा है उसका रेडियस मुझे नहीं पता है, लेकिन हाइट पता है 7 सेंटीमीटर, तो यहां से मैं रेडियस बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये 3 से 7 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यानी कि आर की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 21 × 2 यानी कि 42, यानी कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो मुझे पता चल गया 42। अब कहता है कि बताइए इन दोनों का टोटल सर्फेस एरिया का रेशियो क्या होगा रॉड और स्फेयर का। आपको पता है कि अगर एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 π r × r + h, और एक स्फेयर का 4 π r² ठीक है, यहां r से r काट मत दीजिएगा, सेम नहीं है, जो जो कट सकता है उसको कैंसिल करता हूँ, पाए से पाए कैंसिल, इससे ये कैंसिल 2 बार में। अब सिलेंडर का रेडियस मुझे क्या मिला था, 42, 42 × 42 + h, 42 + 7 यानी कि 49, 2 r² 2 r² आर स्क्वायर क्या है, यानी कि 21 × 21 ठीक है, 7 × 7 49, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 यानी कि आंसर मुझे आ गया 7:3। सिलेंडर और स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 7:3 के बराबर होगा। आसान सा सवाल था, बहुत आसान था, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग सकता है बट है नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन जो है एलजेब्रा का है, और शुरू करने से पहले फिर मैं आपको याद दिला दूं कि ये आपको वीडियो शेयर करना है दोस्तों अपने केटी ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों आपको दे रखा है कि a+1/b जो है वो 1 के बराबर है, और वो बी बी यहाँ पे एक गलती है क्वेश्चन में, ये आपको दे रखा है b=1/c = 1, जबकि यहाँ पे b+1/c 1 के बराबर है। तो खैर अगर आप प्ले बाय द क्वेश्चन या प्ले बाय द सिचुएशन करें तो c+1/a क्या होगा, c+1/a की वैल्यू पूछी जा रही है, ये क्या होगा। तो हाँ ये क्वेश्चन तो गलत है ही, इसको पहले मैं करेक्ट कर ही दूं तो ज्यादा अच्छा है। b+1/c है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, एक जगह रख देता हूँ -1, एक जगह रखता हूँ -1, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन मुझे दे रखे हैं, वेरिएबल्स हैं 3, तो मैं अपने मन से कोई वैल्यू चूज कर सकता हूँ। ए माइनस वन मैंने रखा तो -1 इधर गया, तो 1+1 2, यानी कि बी की वैल्यू जो है वो क्या निकल गई, 1/2, बी की वैल्यू निकल गई 1/2। अब बी की इक्वल टू 1/2 मैं यहां रखूं, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2, 1/c बराबर 1/2, तो सी किसके बराबर, 2 के बराबर, बस 2। तो अब वैल्यू निकालना c+a, यानी कि 2 + 1/a, यानी कि 1/-1, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1/2।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल भी ज्योमेट्री से ही है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 69 कहता है ट्रायंगल एबीसी है आपके पास, एबीसी ट्रायंगल, और इसमें एंगल ए जो है वो 70 डिग्री के बराबर है, बी 80 के बराबर है, और डी जो है वो इस ट्रायंगल का इन सेंटर है। डी इस ट्रायंगल का इन सेंटर है। ए सी बी अगर 2x है, ए सी बी ये एंगल अगर 2x है, ये एंगल अगर 2x है, और बी डी सी, बी डी सी ये अगर y है, ये एंगल अगर y है, तो x और y की वैल्यू बताइए। दोस्तों बहुत आसान है, ये 80, ये एंगल 70, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 माइनस 70 यानी कि 30, यानी कि 2x की वैल्यू 30, तो x की वैल्यू कितना, 15। 2x क्योंकि दे रखा है एंगल c, तो एंगल c 30 के बराबर, तो x की वैल्यू 15। अब दोस्तों अगर आपको पता है कि इन सेंटर अगर होता है तो अपने सामने वाले कोण से 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए इसके बराबर होता है, तो ये है 70, 90 माइनस हाफ इंटू 70 यानी कि 35, 90 माइनस 35 बराबर 55, तो वाई मेरा हो गया 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री। ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो चलिए बेसिक से भी मैं बता देता हूं। आपको पता है कि इन सेंटर उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे तीनों एंगल बायसेक्टर मिलते हैं, यानी कि ये एंगल, ये जो लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन, ये तीनों एंगल बायसेक्टर होंगे। एंगल बायसेक्टर कहने का मतलब एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि पूरा अगर 80 है तो ये 40, ये 40, यानी कि ये 40 है पूरा, ये पूरा है 30, तो ये 15, ये 15, तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये 15 और ये 15, सॉरी ये प्लस, ये 15 और ये 55, 15 प्लस 55 60, सॉरी 70, तो ये दोनों का सम हो गया 70, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110, 110 मेरा आंसर हो गया। या फिर डायरेक्ट मैं यहां से आपको बता सकता था कि हाफ इंटू एंगल 70, आंसर मुझे आ गया 115। ठीक है, आंसर आ गया मुझे, ये सॉरी 40 है ना, ये 40 है, 40 प्लस 15 टोटल हो गया 55, बचा कितना 115, यानी कि एंगल 115, या इस फॉर्मूले से मैंने वही निकाल दिया। तो आपका जो y है, y 115 और x 15 होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, आपका बी है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ये 125 होगा दोस्तों, ये 125 होगा। ठीक है, तो अब बी है आपका करेक्ट आंसर, 15 और 125। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है उसमें आपको दे रखा है कि साइन पी प्लस कॉसेक पी 2 के बराबर है, तो बताइए कि साइन पे पावर 7p प्लस कॉसेक पे पावर 7p किसके बराबर होगा। दोस्तों अगर आपको पता है इस, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 2 दे रखी हो तो आंख बंद करके समझ लीजिए कि x बराबर 1 है। आपको पता है कि साइन पी और कॉसेक पी जो होता है 1 बाय साइन पी के बराबर होता है। साइन पी प्लस 1 बाय साइन पी अगर 2 के बराबर है, मतलब साइन पी 1 के बराबर है। ठीक है, साइन पी 1 के बराबर है तो यहां भी 1 रख दीजिए, और ये 1 अपॉन साइन 7p, यहां 1, तो 1 प्लस 1 आंसर मेरा हो गया। सिर्फ यही नहीं, कुछ भी पावर 1 पे, कुछ भी पावर रहे आंसर 1 ही आता है, तो इसलिए कुछ भी पावर आप दीजिए, 8, 10, पावर चेंज भी कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको आंसर वही का वही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 71, ये ट्रिगोनोमेट्री से है। आपको दे रखा है cos x cos y, cos x cos y प्लस sin x sin y माइनस 1 के बराबर। अगर आपको पता है दोस्तों, जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos x माइनस y का, ये फॉर्मूला है cos x माइनस y का, और ये माइनस 1 के बराबर है। cos माइनस 1
आपको अगर पता है तो cos पाई के बराबर होता है, यानी कि cos 180 डिग्री। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x माइनस वाई जो है वो पाई के बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि cos x प्लस cos y की वैल्यू बताइए, cos x प्लस cos y की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। तो दोस्तों cos a cos x प्लस cos y को मैं लिख सकता हूं 2 cos cos, अरे तो cos x प्लस cos y को हम लिख सकते हैं cos x प्लस y बाय 2 इंटू cos x माइनस y बाय 2, ठीक है। तो x माइनस y की वैल्यू पाई के बराबर है, यानी कि 180 के बराबर है। पाई बाय टू यानी कि cos 90, cos 90 क्या होता है 0। तो अगर ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो अगर कोई एक भी ये अगर 0 हो गया तो ये पूरे को 0 कर देगा, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया 0, यानी कि cos x plus cos y की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। तो मैं देखूं अगर तो ऑप्शन नंबर सी है मेरा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यही मेरे 21 क्वेश्चन थे और बाकी के क्वेश्चन है डीआई के, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं और आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों डीआई के जो क्वेश्चन है वो 72, 73, 74 और 75, यही चार क्वेश्चंस हैं। तो पहले अगर मैं आंसर आपको बताना चाहूं तो आंसर्स जो है वो 72 का जो आंसर है वो है 380 करोड़, ठीक है। 72 का आपको आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 73 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, और 74 का जो आंसर है, 74 का आंसर जो है आपको वो आपको ए हो, ये भी ए हो जाएगा, और 75 का आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला दे रखा है शुरू में कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100 के बराबर है। और दोस्तों एक गलती है यहाँ पे, जो वर्टिकल कॉलम में है ना वाई एक्सिस पे वो 10, 30, 40, 50, ये जो है आपका प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आसान है, आप आराम से कर लोगे, ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसको शेयर करना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है, वीडियो सीरीज आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं, तो दोस्तों मोटिवेशन मुझे चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं यार, बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, बस शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें, ताकि मुझे लगे कि मैं और ज्यादा कंटेंट, अभी देखिए क्या है कंटेंट मेरे पास, सेटअप कुछ नहीं है, मैं और भी कई अच्छे अच्छे टेक्निक होते हैं कि जैसे स्क्रीन पे ही आपका क्वेश्चन दिखे, है ना, अलग अलग टेक्निक है जिससे मैं बहुत खूबसूरत अपना वीडियो बना सकता हूँ, तो उसमें इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो बिना सपोर्ट के मैं इन्वेस्टमेंट कहां से करूंगा, वो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकता हूं। तो इसलिए दोस्तों ज्यादा कुछ ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिले। तो ठीक है दोस्तों, यही मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।